हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं कुछ ऐसे प्लांट के नाम बताने वाली हूँ जो कि अगर आप अभी कटिंग लगाते हैं तो सर्दियों में उनसे ढेर सारे फूल पा सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली कटिंग ग्रो हो जाती है उनकी और आप उनको कटिंग से अभी लगा सकते हैं। अभी से जुलाई से लेकर अगस्त के मंथ तक, अगस्त सेप्टेम्बर तक भी लगा सकते हैं। और अभी से अगर लगा लेते हैं तो और अच्छे से ग्रो हो जाएंगे प्लांट, तो बहुत अच्छे आपके जो विंटर में है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो कुछ ऐसे ही प्लांट के मैं नाम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे फर्स्ट में जो है वो है डहेलिया का प्लांट। ये देखिए, ये है डहेलिया का प्लांट। तो आप अभी डहेलिया को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, अभी लगा सकते हैं। अभी से लेकर के आप सितंबर तक इसकी कटिंग लगा सकते हैं और जितनी जल्दी इसकी कटिंग आप लगा लेंगे उतनी जल्दी आपके गार्डन में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बहुत आसानी से इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं, सॉरी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और आपने जो लास्ट ईयर के बल्ब छोड़े होंगे अपने गमलों में तो उनसे इस तरह से न्यू न्यू प्लांट बनना स्टार्ट हो गए होंगे आप लोगों के भी, तो आप उनको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बल्ब से ग्रो हुए प्लांट तो फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जो आप कटिंग से प्लांट ग्रो करेंगे उसमें और ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है और बहुत सुंदर बड़े बड़े से बिग साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो आप सबसे फर्स्ट में देखिए डहेलिया का प्लांट है, आप पहचान लीजिए इस तरह का होता है डहेलिया का प्लांट। और आप इसको ऊपर की टिप लगाइए आप इस तरह से, ये तो बहुत हेल्दी और मोटी है। आप छोटी से छोटी कटिंग भी आप इसकी लगा देंगे तो लग जाती है। और सैंडी सॉइल में एक भाग सैंड एक भाग मिट्टी चाहे तो मिक्स करें, मैं तो सैंड में लगा देती हूँ तो मेरी कटिंग सैंड में ही सारी ग्रो होती हैं जो भी मैं करती हूँ। तो आप सैंड में जो बारीक वाली सैंड है आप चाहे उसको ले सकते हैं, बारीक वाली नहीं मिलती है तो आप बड़े दानों वाली सैंड भी ले सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में सैंड यूज होती है वही वाली। तो हम सबसे फर्स्ट में इसी को, मैं भी कुछ दिनों में कटिंग लगाने वाली हूँ तो मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। सेकंड नंबर पे ये देखिए टोरेनिया का प्लांट है, ये भी विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इस साल तो इसने मेरे गार्डन में पूरे समर, तो ये टोरेनिया का प्लांट है तो ये इस साल मेरे गार्डन में पूरे समर इन्होंने फ्लावरिंग करी। और देखिए रेनी सीजन अब स्टार्ट हो गया है, रेनी सीजन में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू कर रहा है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं प्लांट। चाहे तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। तो पूरे विंटर भी आपके गार्डन में इसी तरह से फ्लावरिंग करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो सेकंड नंबर पे हमारा टोरेनिया का प्लांट, यहाँ पर देखिए सीड से ग्रो हुआ मेरा पेटूनिया, कितना अच्छा ब्लूम्स हुआ बेचारा, बिल्कुल नाजुक सा प्लांट है लेकिन देखिए फ्लावर कल से लगभग एक फ्लावर रोज इसमें खिला रहता है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे हमारा बिगोनिया का प्लांट, आप बिगोनिया को भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर अभी से आप इनकी कटिंग लगा लेते हैं तो आपके, क्योंकि रेनी सीजन में प्लांट बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप कटिंग लगा लेंगे बहुत सारी तो आपकी कटिंग सेव हो जाएंगी और उन प्लांट को आप फिर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, विंटर में भी इसी तरह से फ्लावरिंग कर रहा था, अभी भी बिल्कुल इसी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने भी इनकी बहुत सारी कटिंग लगा ली है, तो आप लोग भी अभी चाहें तो इनकी कटिंग लगा सकते हैं और विंटर में पा सकते हैं इनसे ढेरों फूल। तो बहुत आसान है, इनको सैंड में आप ग्रो कर लीजिए, इनकी कटिंग सैंड और कोकोपीट में ग्रो कर लीजिए, बहुत आसानी से ये भी ग्रो हो जाते हैं। और कटिंग जब भी आप लगाते हैं तो कम से कम 6-7 कटिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि हर कटिंग बिल्कुल सब सारी कटिंग नहीं चल पाती है, कोई ना कोई ख़राब हो ही जाती है। तो अगर आप ज़्यादा सी कटिंग लगाएंगे तो उसमें 2-4 कटिंग तो आपकी चल ही जाएगी। तो थर्ड नंबर पर हमारा बिगोनिया का प्लांट है। तो ये देखिए ये है कलांचो का प्लांट, तो आप इसको भी विंटर के लिए तैयार कर सकते हैं। अभी इसकी बहुत सारी कटिंग लगा करके आप एक प्लांट से ढेर सारी कटिंग इसकी लगा करके प्लांट बना सकते हैं। और जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 2-3 महीने आप इसकी कटिंग अभी से ग्रो कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर तक आप इसकी कटिंग चाहे तो लगा सकते हैं, सितंबर तक लगाएंगे तो आपका प्लांट जल्दी यानी अच्छे से तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं कलांचो के प्लांट। आप इसमें देसी भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड के भी लगा सकते हैं, जो भी प्लांट आपके पास अवेलेबल हो आप उनकी कटिंग इस समय ग्रो कर सकते हैं। और सैंड में आप इसकी कटिंग लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मैंने भी इसकी कटिंग सैंड में लगाई हुई है, लगभग 1 महीने पहले लगाई थी, मैं उसको भी आपको दिखा दूंगी अभी। और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं, उनको अब मुझे ट्रांसप्लांट भी करना चाहिए लेकिन अभी करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी से ये थोड़ा हेल्दी ग्रो हो जाएंगे वैसे अगर कर दूँगी तो देखती हूँ जब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप इससे ढेर सारी कटिंग लेकर के अपने
गार्डन में अभी बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसकी छोटी छोटी ऊपर की टिप भी ले सकते हैं, ऊपर की ही टिप लीजिए, ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। देखिए मेरा एक प्लांट था और कितना ज़्यादा ये बुसी हुआ, मैंने इससे कुछ कटिंग भी ली थी तो और ज़्यादा घना हो गया है बिल्कुल से। तो कटिंग करने के बाद जो उसका मदर प्लांट है वो भी अच्छा घना हो जाएगा, बिल्कुल बुसी हो जाएगा, और जो कटिंग आप लगाएंगे तो उससे तो और ढेर सारे प्लांट बन ही जाएंगे। तो विंटर में ढेर सारे फूल देने वाला प्लांट है ये, तो आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए अभी। उसके बाद देखिए ये है डायंथस के प्लांट, आप डायंथस को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने लगभग एक हफ्ते पहले इसकी कटिंग लगाई हुई है, मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, और जैसे ही उसकी रूट्स आ जाएंगी तो मैं उसकी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप इसकी ऐसी कटिंग लगाइए जिसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो, जैसे न्यू न्यू ब्रांच जो निकल रही है, ये देखिए इस तरह की न्यू न्यू ब्रांच जो हो रही हैं, इनको आप कटिंग लेकर लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। बिल्कुल सैंड में लगा दीजिए और बहुत आसानी से आपके गार्डन में एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। और ऐसी जगह रखिए जहाँ बारिश का बहुत ज़्यादा पानी इनमें ना पड़े, थोड़ा बहुत कभी कभार पड़ जाए, बस ऐसी ही जगह इनके लिए सिलेक्ट करिए, ताकि क्योंकि ज़्यादा बारिश में ये प्लांट ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट अभी बना सकते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर तक आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से चलने वाले कटिंग से प्लांट हैं। और एक प्लांट से आप खूब सारे प्लांट अभी बनाइए विंटर के लिए, अभी आप इसकी कटिंग लगा लेंगे तो विंटर में आपको ढेर सारी फ्लावरिंग देंगे ये। ये देखिए मैंने कलंचों की कटिंग लगाई थी और सारी कटिंग मेरी ग्रो हो गई हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, सभी में खूब अच्छे रूट्स आ गए हैं और इनकी देखिए बढ़ने भी लगे हैं, प्लांट काफ़ी हेल्दी हो गए हैं, तो मुझे इनको अब रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये है पॉइंसेटिया का प्लांट, आप इसकी भी कटिंग अभी इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये भी ग्रो हो जाती हैं, और जहाँ से आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे वहाँ से खूब सारी मल्टीपल ब्रांच निकलेंगी और प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा। ये देखिए नीचे से कितनी सारी इसमें ब्रांच निकल रही हैं, तो अगर हम इसके ऊपर की टिप को कट कर देते हैं तो नीचे की सारी ब्रांच अच्छे से डेवलप हो जाएंगी और काफ़ी अच्छी हेल्दी बड़ी हो जाएंगी। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, और इसमें फूलों के नाम पे इनमें जो पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल रेड कलर की पत्तियाँ, बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत अच्छी ब्यूटी पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा हेल्दी ये ग्रो हो जाएगा, आप इसकी कटिंग सैंड और कोकोपीट में लगा दीजिए या फिर सिर्फ सैंड में लगा दीजिए तो ये आसानी से चल जाएंगी। तो मैं भी लगाऊंगी एक दो कटिंग इसकी लगा कर देखूंगी अभी, तो आप इसकी भी कटिंग अभी लगा सकते हैं। विंटर में ढेर सारे प्लांट आप इसके बना सकते हैं कटिंग से, और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसके प्लांट होते हैं। इसके बाद देखिए ये है क्रिसेंथेमम, क्रिसेंथेमम की कटिंग आप अभी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट हैं, और इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग आपके गार्डन में होती है क्रिसेंथेमम की, अगर आपने क्रिसेंथेमम नहीं लगाया तो आपका पूरा विंटर गार्डन सूना रहेगा। तो क्रिसेंथेमम की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे अभी रेनी सीजन में, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। मैंने तो लगभग डेढ़ महीने, मैंने इनको मई में ही लगा लिया था कटिंग को, और एक बार मैं इनको रिपोर्ट भी कर चुकी हूँ, मैंने रिपोर्ट बस इनको सैंड से निकाल कर सिर्फ मिट्टी में लगा दिया है, अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है अभी तक। तो बस मैं इनको फिर से इनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, और देखिए इनको पिंचिंग भी करना ज़रूरी है, तो जब इस तरह से ब्रांच आपकी लंबी हो जाए, लगभग 6-7 पत्तियाँ इसमें आनी शुरू हो जाएँ, तो आप इस तरह से ऊपर की टिप को पिंच कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांच निकलेंगे और आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होता जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। तो अभी आप क्रिसेंथेमम की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत हेल्दी ग्रो हो जाएंगे आपके गार्डन में, क्योंकि जैसे जब बारिश गिरती है तब कोई भी कटिंग आप लगाते हैं बहुत ही आसानी से अच्छे सक्सेस होती है, नहीं तो इतनी तेज़ धूप निकलती है कि कटिंग को थोड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आप जब भी कटिंग लगाएं क्रिसेंथेमम की, ऊपर ऊपर की टिप ही लगाइए, देखिए जो ऊपर की टिप होती है वही कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है, और आप इस समय लगा सकते हैं। आपके पास जितने भी कलर अवेलेबल हों आप सभी की कुछ ना कुछ कटिंग लगा लीजिए, हर प्लांट की थोड़ी थोड़ी कटिंग, तो आपके गार्डन में ढेर सारे फूल इसके मिल जाएंगे और पूरा गार्डन बिल्कुल विंटर का गार्डन हमारा तैयार हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल जैसे पुराने प्लांट आपके पास हैं। और जितने भी प्लांट मैंने अभी आपको दिखाए हैं मैंने सभी की कटिंग लगा ली है, सिर्फ ये पॉइंसेटिया की कटिंग अभी तक मैंने नहीं लगाई है, मैंने बिगोनिया की कटिंग भी लगा ली है, मैंने डायंथस की भी लगा ली है, कलंचों की भी लगा ली है, डहेलिया की कटिंग भी मैंने कुछ लगा ली है। ये देखिए यहाँ पे ये तीन कटिंग मैंने लगाई थी और इनकी पिंचिंग नहीं करी है मैंने, ये थोड़े हाइटेड हो रहे हैं प्लांट, इनको मैंने एक ही साथ ऐसे ही लगा दिया था, देखिए तीनों कटिंग मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें मैं इसके साथ मैंने दो क्रिसेंथेमम की कटिंग भी लगाई थी तो ये भी ग्रो हो गई है। तो मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि कटिंग से ग्रो नहीं होते, सारे प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, जो जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने डायंथस की कटिंग भी लगाई, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मुझे लगाए हुए और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और धीरे धीरे देखिए न्यू पत्तियां भी आनी इनमें शुरू हो गई हैं, तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं।
तो अभी इस समय आप हाइब्रिड विंका की भी कटिंग लगा सकते हैं, या फिर एक दो महीना रुककर भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो भी ये विंटर के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी प्लांट, क्योंकि विंटर में भी ये इतनी ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करते हैं जितनी कि समर और रेनी सीजन में करते हैं। तो आप अभी से तैयार कर लेंगे अगर प्लांट को तो काफ़ी अच्छे हेल्दी आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और मैंने तो इतनी सारी कटिंग लगाई थी, उन सबको भी मैंने रिपोर्ट कर लिया है, यहाँ पर कहीं पर किया हुआ है, अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं वो। तो बहुत सारी कटिंग मैंने तैयार करी है, और ये तो मेरे बहुत सारे सीड से भी मैंने लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप, पूरा मेरे विंका का ही एरिया है, ये सारा विंका का है, और छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्लांट मेरे पास विंका के लगे हुए हैं। तो कटिंग से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, ये प्लांट भी मैंने कटिंग से लगाया था, और यहाँ पर भी मैंने चार प्लांट रिपोर्ट करी थी, लेकिन मैं इसको एक दिन उठाना भूल गई बारिश से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश गिर गई। तो देखिए, इसके दो प्लांट बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो चुके, तो खूब अच्छी इनकी बहुत अच्छी रूट्स डेवलप हो चुकी थी, लेकिन ये देखिए पूरे प्लांट मेरे ख़राब हो गए हैं। ये देखिए, ये पूरे ऊपर से गल गए हैं, नीचे की स्टेम नहीं, सॉरी, रूट्स नहीं गली है, लेकिन जो इसका स्टेम था ये पूरा गल कर ख़त्म हो गया है। तो ये मेरी दोनों कटिंग लगभग ख़राब सी हो गई, यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी, नीचे से अभी भी थोड़ी सी ठीक है, और ये दोनों कटिंग मेरी काफ़ी अच्छी हेल्दी हैं। तो चार कटिंग मैंने एक ही पॉट में लगा दी थी, देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो कटिंग से ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो बस लिस्ट तो बहुत बड़ी है, आप जेरेनियम की भी कटिंग इस समय लगा सकते हैं अगर आपके पास प्लांट है। मेरा प्लांट तो अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो गया जेरेनियम का, तो वो भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो मेरे पास नहीं बचा है। और आपके पास जो जो विंटर के प्लांट बचे हैं उनकी सभी की कटिंग आप लगा करके अपने विंटर के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। तो बस मेरे पास जो थोड़े प्लांट थे मैंने उन सब की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करी है, और अगर आप लोग बोलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में और भी नाम पूछ सकते हैं, तो जो मुझे नाम पता है मैं वो भी आपको मेंशन कर दूंगी उसमें। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।